हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आलू यूट्यूबर चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आलू और गाजर। दोस्तों, हम आपको बताएंगे आलू गाजर कैसे बनती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए होगी इसमें एक चम्मच ये कढ़ाई, और इसमें हमें चाहिए आलू, गाजर, लहसुन का पेस्ट और प्याज पेस्ट, और टमाटर, ये हरा धनिया जो धनिया पत्ता है, और दोस्तों ये है हरी मिर्च, और ये अचार का मसाला, ये है तेल, और दोस्तों फिर हमें चाहिएगा आधी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। हमने गैस ऑन कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। देखिए दोस्तों, हम तेल डालेंगे इसमें सरसों तेल देसी, और दोस्तों ये तेल जितना और ओरिजिनल होगा उतना ही फायदा होगा और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, अब हम इसे होने देंगे गरम। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अचार का मसाला। दोस्तों, ये अचार का मसाला हमारा हो गया है डालते ही, अब इसमें हम डालेंगे, थोड़ा धीमे गैस करेंगे, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, अब इसमें हम डालेंगे जो हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, हम सारा साथ डाल देंगे इसके, अब इसे हम चला देंगे। दोस्तों, हमें जब भी सब्जी बनानी हो तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि हम इसे हल्दी मिर्च और लाल पाउडर, मिर्च और धनिया पाउडर को हम कभी भी पानी के साथ नहीं डालेंगे, तेल में ऐसे ही डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर के बाद। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये देखिए, हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया और प्याज का भी हमने डाल दिया था, ये हमने सारे पेस्ट इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको चला देंगे, गैस को हम पूरा खोल देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे पानी, बस इतना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ इतना पानी डाला है, इससे हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, और अब हम इसे मसाले को भूनने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये मसाला भून के तैयार हो रहा है। देखिए, हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक डालेंगे हम सिर्फ आधी चम्मच, क्योंकि हमारी सब्जी है ना बहुत थोड़ी है, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो हमारा नमक तेज हो जाएगा सब्जी में। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये मसाला भून के तैयार हो गया है। देखिए, हमारा तेल छोड़ने लगा है, ये तो समझो हमारा मसाला भून गया है। दोस्तों, जब भी हमारा मसाला भूनने के लिए, आपको समझना होगा कि हमारा जब मसाला भूनता है तो अपना जो तेल है सारा छोड़ देता है, बिल्कुल तेल अलग हो जाता है सब। तो अब हम इसमें डालेंगे गाजर और इसे चला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और इसे भी हम चला देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये मिल के तैयार हो गया है, ये सारा मिल गया है हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। दोस्तों, हमें पानी चाहिए होगा इसमें एक गिलास, जिससे हमारा ये अच्छे से बनके तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों, हम इसमें एक गिलास पानी डाल दिया, अब हम इसको थोड़ा चला देंगे, और चलाकर हम इसको
प्लेट से ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे पकने देंगे। देखो दोस्तों, अब हम इसे एक बार चला देंगे। देखिए हमारा ये पकने लग रहा है, पक रहा है। देखिए इसमें खूब अच्छे से खुदा लग गया है। देखिए दोस्तों, इसे हमने चला दिया है एक बार से। हमें अपनी सब्जी को बार बार चलानी होगी, इसलिए कि कहीं ये लग ना जाए। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारा बना है या नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा ये बनके तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा बिल्कुल एकदम बन गया, तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम इसका गैस को ऑन कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे। देखो दोस्तों, हमारा ये बनके तैयार हो गया है, हमने ये उतार लिया है। अब दोस्तों, हम इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता। देखिए ये धनिया पत्ता है हमारा, मैंने ये डाल दिया है इसमें। दोस्तों हरा धनिया से हमारा सब्जी में टेस्ट आता है, और जो नहीं खाना चाहता तो कोई बात नहीं, ना खाना। और दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप असली घी खाते हैं तो दोस्तों इसमें एक चमची असली घी डाल देना। अगर आप असली घी के साथ आलू गाजर की सब्जी खाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये आलू और गाजर बना दिया है, आप मजे से खा लेना, मैं आपको रोकूंगी नहीं। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत। खुदा हाफिज़।